ऊपर जाओ। तो यहाँ से रोहतांग पास है 170, मनाली 222। ज़्यादा टाइम में एंट्री कराना है क्या? कर दो भैया, थके हुए बड़ा। तो अभी मैंने क्या किया ना, क्लियर वाइजर पहन लिया है जिससे कि अपने को प्रॉब्लम ना हो। वाटर क्रॉसिंग से देख के निकालना है अपन ने। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी वाला वाटर क्रॉसिंग है। अरे भाई, अब यहाँ पे पहले मिली थी मिट्टी, अब मिलेगा पानी। बहुत लग जाते हैं यार, फिर अभी पूरा पानी हो गया। ओह माय गॉड, एग्जॉस्टिंग वन। अभी हम लोगों ने पुलिस वाले से कंफर्म कर लिया, हिमाचल पुलिस, कि अटल टनल खुला रहता है। यहाँ से बारालाचा है 32 किलोमीटर और किलोंग है 107। किलोंग के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, आई थिंक 150 किलोमीटर का अराउंड मनाली रहेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पहुंच जाएंगे अपन लोग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपने भाई बंधु का। अभी हम लोग हिमाचल एंटर कर चुके हैं। अभी ये वाले देखो, आसपास जितने पहाड़ी दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सब में अभी रिसेंटली बर्फ गिरा है। मतलब हम लोग जब गए थे तब था नहीं, क्योंकि उस दिन हम लोग जब वापस आ रहे थे तो उस दिन हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा था। वो देखो सामने वाला पूरा वाइट दिख रहा है ना बर्फ, तो मतलब पूरा अभी फ्रेश है। अपन लोग थोड़ा सा इधर आ गए, हमें लगा ब्रिज व्रिज खुल गया, थोड़ा सा बस ऑफ रोड वाला पैच है। वही मेरे को लगा इतनी जल्दी रोड कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया इनका। जाके ब्रिज के आगे खड़े देख रहे पूरा बंद है, वो वाला ब्रिज था, अभी बन रहा है अभी भी। अबे क्या दोनों तरफ से ब्लॉक कर रखे, फुद्दू है क्या? नहीं इधर से नहीं आए थे, इतना नीचे नहीं आए थे पानी के। छोड़ दो, जाओ ऊपर जाओ। मैं ले जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं, चलो। हो चलो निकाल दी, अभी अपन पकड़ते अपनी गाड़ी। बोर्ड कुछ नहीं लगा रखा है फालतू का, फुद्दू लोग रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऐसे हिली एरिया में। कोई गाड़ी नीचे जाएगी कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो अभी कहाँ दिख रहा था अपने को, ये था आगे, ये रहा, इधर से जाना है नीचे। चलो तो लिख दो यहाँ पे कि इधर से जाना रहेगा। चलो हाँ, रास्ता कहाँ निकल गया सही में ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है यार ऐसे, हम प्रॉपर मार्किंग करके नहीं रखते हैं। अभी ये वाला पुल से अपने को निकलना है। ओह बहुत, तो ऐसी मिली अपने को वाटर क्रॉसिंग। और ये पोलो देखो जहाँ से निकल रही है वहाँ से अपनी गाड़ी निकल जानी चाहिए उधर साइड से। आओ आ रहे हो, क्या हो गया?
उधर साइड से निकालना पड़ेगा। गंदा पानी भाई, पानी बहुत है। आ रहे हो? हाँ अरे बैठो। तू तो गीला हो गया पूरा। हाँ पैर तो पहुंच चला था, दोनों साइड रख के आना पड़ेगा। फक मैन, पांचो पूरा पानी घुस गया जूते में, ठंडा लग रहा है। अरे भाई रुक जाओ, एक मिनट हेलमेट उतार रहा हूँ। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ टुडे, वाटर क्रॉसिंग हो गया था। एक्चुअली काफ़ी बर्फ़ गिर रखी है आसपास, यहाँ पे देख लो, उधर देख लो, जहाँ मर्जी देख लो, बर्फ ही बर्फ है। तो अभी सीन ऐसा हुआ कि गाड़ी बिल्कुल, हम लोगों ने ही फर्स्ट ट्राई किया और निकल गई, मेरी बाइक निकल गई, फिर जैदी भाई की बाइक बीच में फंस गई थी क्योंकि पानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा था एंड पत्थर का आइडिया नहीं लग रहा था। मेन चीज़ वही रहती है, या तो ऐसी जगह ये करना चाहिए, पत्थर फेंक फेंक के पूरा रास्ता बना दो तो ईजिली गाड़ी निकल जाएगी, बट इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। तो धीरे धीरे ट्राई करके रास्ता पता लग गया, हाँ चल ठीक है भाई यहाँ से निकल जा रही है ईजिली, तो फिर हम लोग निकाल लिए। वो वाटर क्रॉसिंग था भी नहीं और अचानक से आया। चलो एक और वाटर क्रॉसिंग, जूते भीगने अपने फिर से, ये वाले भी देखो देखो स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही है। निकाल लिया, निकाल लिया। अभी हम लोग यहाँ पे बारालचा पहुँच चुके हैं, बारालचा पास, अभी चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं सूरज ताल, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है ब्लू कलर की। अभी ठंडा हो चुका है, राइडिंग शूज़ तो पूरा गीला हो गया है और फिर मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिया अपना। अब भले ही हवा लगे, क्या कर सकते हैं, बट अपने को पहुंचना है आज मनाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग देख के ठीक है, अब अपने को एम ये है कि अपन लोग सीधे जो सिंगजिंग बार है वो क्रॉस करके विल रीच टू जसपा, और जसपा एक बार पहुंच गए फिर उसके बाद मक्खन रोड है, आराम से हम लोग जा सकते हैं। स्लो भी राइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनाली आराम से पहुंच जाएंगे। कल हम लोग प्लान किए हैं मनाली से दिल्ली निकलने का। वहाँ पे क्या बादल हो रखा, क्या बर्फ़ गिर रखी है भाई। गुड, ये सारे पहाड़ थे ना, इसमें एक एक में भी बर्फ़ नहीं थी, अदर देन अब ये बारालचा हम लोग पहुँचे थे तो थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा था, बट इतना बर्फ़ नहीं था कहीं पर भी। हम लोगों को निकालना है जिंगजिंग बार, यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, मतलब अभी जिंगजिंग बार अपन लोग नहीं पहुँचे। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी भरी पहाड़ी देख के अपने को सुकून मिल रहा है, क्योंकि जो सूखी पहाड़ी देख के ना, मतलब हम लोग बोर हो गए अब। अपने को चाहिए थोड़ी नई टाइप की पहाड़ी एंड नो वाटर क्रॉसिंग। तो अभी आगे हम लोग जिंगजिंग बार क्रॉसिंग पे, और यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्ट्रीम बना दिया है। एक्चुअली पिछले वाला जो वाटर क्रॉसिंग था उसमें भी ऐसी कुछ करना चाहिए था, जैसे कि पानी नहीं लगता तो इजी पड़ जाता अपने को। अभी इसको क्रॉस करने देते हैं, राइट से निकालो और लेफ्ट साइड पांव रख के आ जाओ।
पांव ऊपर कर लो क्योंकि मेरे पास एक ही जूते का पैर है। इजी पीजी, कुछ भी नहीं था ये, कुछ भी नहीं था ये, बच्चों का खेल था। एंड वी मेड इट, सेकंड वाटर क्रॉसिंग ऑफ द डे। पहले वाले के सामने ये सुसु की धार थी। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दारचा, और दारचा से मनाली रहेगा कुछ 85 किलोमीटर्स आई थिंक सो। और हम लोग जिस्पा के लॉन्ग नहीं रुकने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई होप रुकना भी ना पड़े क्योंकि अपने को लेने हैं माल रोड के थोड़े मज़े। तो ये आ गया दारचा ब्रिज, ये वाला है दारचा का ब्रिज। और यहाँ से पानी का फ्लो देखो भाई, क्या मतलब आज आज मचा दिया है, मतलब पानी ने भी, मतलब आज आज ऊपर वाले ने लिख के बोला था तुम्हारी बेटा लद्दाख की ना जो पूरी राइड की जो एडवेंचर है ऐसी तैसी कर देंगे। अभी एडवेंचर अपने को वाटर क्रॉसिंग कोई सी भी आ जाएगा अपन लोग निकाल लेंगे आराम से। अभी हम लोग जिस्पा एंटर कर चुके हैं और यहाँ से केलोंग है थोड़ा सा दूर, आई थिंक 20 किलोमीटर। मेरे तो बाइक का रेंज ही बढ़ता जा रहा है, 258 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। मैं तो कहते हैं ऐसे ही पहुँचा चंडीगढ़ तक, अपने को पेट्रोल ही नहीं पड़वाना पड़ेगा। देखो भाई लोग, यहाँ पे पूरा बर्फ पड़ चुका है। यहाँ पे हम लोग थोड़े दिन पहले आए थे ना राइड करने, आप लोगों ने देखा था कहीं पे बर्फ नहीं था ना, अभी हो चुका है। और अभी ऐसे ठंड से ऐसा लग रहा है ना खतरनाक वाला। और ये देखो इधर से स्ट्रीम आ रहा है, इधर से स्ट्रीम आ रहा है, उधर से स्ट्रीम आ रहा है, मतलब वाटर स्ट्रीम से इतना पानी का लेवल ज़्यादा हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ अपन लोग टाइम से निकल लिए थे आज सुबह, तो हम लोग यहाँ पे हैं, वरना अगर थोड़ा सा भी लेट होते तो अभी तक वो वाटर क्रॉसिंग में फंसे होते। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तांडी का जो लास्ट पेट्रोल पम्प पड़ता है इधर से ले जाते टाइम में, और ये रहा राइट में। तो अभी अपने यहाँ तो फ्यूल रेंज 234 दिखा रहा है, मनाली तक तो आराम से हो जाएगा। कल हम लोग मनाली क्रॉस करके मे भी शायद मंडी में फीलिंग कराएं। और अटल टनल यहाँ से दिखा रहे 30 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं राइट, और अपने को फाइनली मिल गई है अटल टनल। ओह, इसको देख के इतना सुकून मिल रहा है ना पूछो मत भाई। वो देखो अटल टनल हो गया शुरू। तो फाइनली गाइज, वी हैव एंटर्ड अटल टनल, और यहाँ पे स्पीड मेंटेन करके चलते हैं। बट कसम से पूछो मत भाई, मतलब ये अटल टनल देख के ना मेरी जान में जान आ रही है। अभी हम लोग यहाँ सोलांग वैली का जो लास्ट वाला ब्रिज, मतलब सोलांग वैली चढ़ने से पहले जो ब्रिज रहता है, और अपना डेस्टिनेशन दिखा रहा है 5 किलोमीटर दूर यहाँ से मनाली है 9 किलोमीटर। लिटरली आज का बड़ा मतलब राइड अच्छा भी था और हेक्टिक भी था, बट मज़ा आ गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा आज का ब्लॉग तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना भाई। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों से, जिससे कि आप लोगों को मतलब डिफ़िकल्टी ना हो, हम लोग जिस तरीके से राइड किए हैं अगर वो फॉलो करते हो उससे भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बट हर किसी का राइडिंग पैटर्न अलग होता है, बट एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब हम लोग मेन मनाली सिटी में एंटर कर चुके हैं। चलो चलो चलो, पहुँचने वाले हैं, मंजिल दूर नहीं है। बट हम लोगों की राइड जो थी आज की सक्सेसफुल हुई, और हम लोग पहुँच चुके हैं मनाली।